हेलो दोस्तों, एके जी फर्नीचर में आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इसी वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि जो किचन में डिश रैक लगता है कैसे लगाते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया, जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आता है कि कितने हाइट पर लगाना है, कितने इसका कैबिनेट का अंदर अंदर साइज रखना है। तो इस वीडियो में हम यही पूरी बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन की घंटी है जिसको दबा लीजिए, आने वाली हर एक नई से नई वीडियो आपको मिल सके। जैसे दोस्तों ये देखिए हमारा जो कैबिनेट का साइज है, ये अंदर अंदर हमको 22.5 इंची रखना है और इसकी हाइट आप अपने हिसाब से रख लीजिए, जितनी आपके अकॉर्डिंग हो 30 इंची हो 27 इंची हो, और डेप्थ इसकी आप 1 फीट रखने हैं। तो चलिए फिर पूरा वीडियो देखते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कैसे पूरे स्टेप बाई स्टेप ये प्रोसेस किया जा रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए हमारा ये डिशवाशर है, देखिए यहाँ पर लिखा है डिशवाशर टफ डिश रैक, और ये 555 mm का है और जो भी साइज है इसका सब कुछ इसी पर लिखा है। तो चलिए हमको इस कैबिनेट के अंदर फिटिंग करना है, तो हम पूरी फिटिंग करके दिखाते हैं कैसे फिटिंग होती है। फिटिंग करने से पहले देखिए दोस्तों हम दिखाते हैं कि क्या क्या रहता है। देखिए ये रहता है जिसमें आप थाली वगैरह हैंग कर सकते हैं, ऐसे हैंग कर सकते हैं यहाँ पे लगा कर, और ये इसका ट्रे होता है, ट्रे का प्लेट होता है ये देखिए इसका ट्रे होता है। इसमें मैनुअल बुक दिया जाता है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, देखिए यहाँ पे मैनुअल बुक दिया है कैसे आपको इंस्टॉल करना है, सब कुछ साइज के आता है इसमें, इतने साइज के आते हैं सब। तो चलिए हम इंस्टॉल करके बताते हैं। तो यहाँ पे फिट करने के लिए हम यहाँ से हम 2.25 इंची पर होल कर लेंगे। देखिए ये 2 इंची है, हम 2.25 इंची पर यहाँ पे मार्किंग कर ले रहे हैं। देखिए हम 2.25 इंची पे मार्किंग कर दिए, 2 इंची इधर भी हम ले लेंगे। देखिए 2.25 इंची इधर भी कर लेंगे, चारों तरफ। अब एक पट्टी की मदद से हम ये मार्किंग पूरा कर लेंगे। एक पट्टी लीजिए, सीधी पट्टी, इससे आप ये सीधी मार्किंग कर लीजिए। ये सीधी मार्किंग कर लीजिए क्योंकि उसी पर ये सीधा देखिए बैठाना है। इसके बाद देखिए ये आपका जो साइज होता है बैठने का, ये साइज जो होता है ये देखिए दोस्तों, सेंटर से सेंटर हम साइज निकालेंगे, ये 9 में 1 सूत कम, mm में जाएंगे तो देखिए ये 225 mm है, 225 mm है, 225 mm है। और दोस्तों बैठाने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी हमको, अंदर कैबिनेट के अंदर अंदर की जगह आपको रखना पड़ेगा। देखिए 22.5 इंची जगह रखेंगे तो ये प्रॉपरली आपका बैठ जाएगा, 22.5 इंची जगह रखेंगे तो प्रॉपरली बैठ जाएगा। हाइट आप 27 इंच से 30 इंची रख सकते हैं, और डेप्थ इसके 1 फीट रखना जरूरी है, 1 फीट से ज्यादा रख सकते हैं लेकिन 1 फीट से कम नहीं रख सकते, नहीं तो बैठने में प्रॉब्लम करेगा। देखिए चलिए हमने ये कर लिया ट्रे का, अब यहाँ से कितनी ऊपर हमको थाली का रखना है उसका भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से कितनी ऊपर थाली लगाना है तो थाली के लिए हम यहाँ से एक चलिए 7 इंची जगह छोड़ दिए इस मार्किंग से। देखिए 7 इंची जगह यहाँ से हम छोड़ दे रहे हैं। 7 इंची क्यों छोड़ दोस्तों छोड़ेंगे, इस ट्रे में हमारा रहेगा कि जो पानी थाली का गिरता है इस ट्रे में आता है और निकाल कर फेंक दिया जाता है, इसमें कुछ सामान खास नहीं रखा जाता है, वैसे रखता है तो छोटे प्लेट ग्लास वगैरह ही रखे जाते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे ज्यादा जगह देने की जरूरत नहीं है। बड़ा जगह हम यहाँ पर रखेंगे तो बड़ी से बड़ी थाली हमारी इसके अंदर आ जाएगी, इसीलिए हम इसको बड़ा जगह देते हैं, तो इसलिए हम कम से कम यहाँ जगह रखेंगे। तो आपको लगे कि और कम रखना है तो आप और कम रख सकते हैं, 5 इंची भी रख सकते हैं, लेकिन हम 7 इंची रख कर चल रहे हैं। 7 इंची रखने के बाद हमको ये जगह 5 इंची मिलेगा, प्रॉपर 5-6 इंची मिलेगा, इसलिए इसका भी मार्किंग कर ले रहे हैं। भी मार्किंग कर लिए तो देखिए हमको यहाँ से अब कितने पर ये वाला होल करना है उसके हम परफेक्ट मापी करते हैं। आपको पहले भी बता चुका हूँ, देखिए इसको हमको माप लेना है कितना mm का है, तो हम बता चुके हैं 225 mm का है। ये देखिए सेंटर से हम नापेंगे तो 220 mm का है, तो हम सेंटर से सेंटर 220 mm रखेंगे। देखिए अब इसके सेंटर में रखना है हमको, इसके सेंटर में रखना है,
इसके लिए हमने देखिए दोनों का अलग अलग माप होगा, पहले हम इसका बता दें उसके बाद इसको बताएंगे। इसका हम पहले बता दें आपको, आप सेंटर में 225 रखिए, 220 रखिए, तो हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब 225 रखना है तो 110 हमको रखना पड़ेगा। देखिए 110 mm ये आ गया आपका, 110 mm, देखिए 100 mm, 110 mm, और यहाँ से हम लोग सेंटर ले लेंगे तो 220 mm। ऐसे ही हम दोनों तरफ का कर ले रहे हैं। और ये हो गया, अब इसको इसको मैच कराने के लिए देखिए इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है, तो आप कितने एंगल पे रखना चाहते हैं, आप इसको सीधा करेंगे तो हमारी दूरी इसकी बढ़ जाएगी, इसको इस चीज से पास करेंगे, जैसे इसको आप देखिए सीधा करेंगे तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी, और जैसे इसको जितने एंगल में आप रखना चाहेंगे इसकी दूरी कम होती जाएगी। तो हम एक एंगल सेट कर लेंगे कितना एंगल में हमको चाहिए ये, आप जितने एंगल में आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हमको इतना पे रखना है, ये सही है, पूरी थाली बैठ जाएगी या नहीं बैठेगी, तो आप इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद आप माप चेक कर लीजिए, देखिए हम इसका भी माप चेक करा दे रहे हैं आपको। देखिए जैसे हमको इतने पर लगाना है, तो इसको भी हम 220 कर ले रहे हैं। देखिए इतना एंगल पे हमारा 220 एंगल पर ये भी आएगा, तो इसको भी हम 220 कर ले रहे हैं। दोस्तों देखिए हमारा पूरा मार्किंग पूरा हो चुका है, अब हमको बीट की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये एक 8 mm की बीट है, 8 mm की बीट से एम थ्री होल करेंगे तभी ये बैठेगा, नहीं तो बैठता नहीं है। तो चलिए हम दिखाते हैं, अपन निशान पे हम होल करना जा रहे हैं, होल करने जा रहे हैं। ये पूरा हमारा होल हो चुका है दोस्तों, चारों होल हमने कर चुका है, निकाल कर रखो। अब बारी आती है लगाने की इसकी, देखिए हम पहले ऊपर वाले को ही लगाते हैं, जिसको हम इस एंगल में रख लेंगे। ध्यान रखें इसको भी आप सीधा कर लीजिए, इस एंगल को यही एंगल टेढ़ा होता है इसका, तो अब सीधा करके आप ऐसे आप जी स्ट्रिंग वाला होता है इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए हम ऐसे सब होल में आप इसको बैठा दीजिए। अब आप आपको टेढ़ा अगर लगे तो आप इस एंगल से आप इसको सीधा वगैरह कर सकते हैं, जो भी करना है आपको। देखिए हमारा बैठ चुका है, ये आप लग चुका है। बात ही है इसके, देखिए प्लेट ये ऐसे आपके अंदर जाएगा, बारी आती है ये लगाने की, तो इसको जैसे ऊपर वाले का लगा वैसे आप इसको भी लगा, आप इसको सीधा ले जाइए, स्प्रिंग दबा कर चारों तरफ, ये स्प्रिंग दब कर जाएगी, ये स्प्रिंग दब कर जाएगी। देखिए प्रॉपर जाली हमारा बैठ चुका है, अब इसका प्लेट आता है। देखिए प्लेट कुछ दोस्तों इस तरह होता है, ये खांचा होता है, ये खांचा होता है जो कि इसी वाले में ये देखिए इस खांचे में जाकर बैठ जाता है। देखिए कैसे हम इसको बैठा रहे हैं, देखिए यहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए बैठ रहा है, यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ बैठ जाएगा, उसके बाद आप इसको अंदर आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमारे नीचे से भी गए हो गए ठीक ठाक। अब आपको पानी अगर यहाँ थाली रखते हैं तो पानी आता है, तो आप इस ट्रे को निकालेंगे पानी गिरा देंगे, आप ट्रे को यहाँ पे डाल लेंगे। देखिए तो चलिए दोस्तों, जो भी नए कारपेंटर आए हैं वो लगाने के लिए सीख जाएं कैसे लगता है, और प्रॉपर ऐसे ही लगता है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।